हियर इज अ क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एच प्लस एंड डी प्लस आयंस इन इक्विलिब्रियम विद अ मिक्सचर ऑफ एच टू एंड डी टू गैसेस एट 25 डिग्री सेल्सियस. If the partial pressure of both the gases are 1 atm, then find the ratio of concentration of D plus upon concentration of H plus. Then आपके पास given है E naught value of for the D plus के लिए आपको value भी given है, जो कितनी है -0.003 volt. चलिए, in short आपको calculate क्या करना है? आपको ये ratio calculate करना है. ये क्या है? Concentration ratio है. अब ध्यान से समझो, आपका E cell किसके equal हो जाएगा यहाँ पर? E cell हो जाएगा E naught cell. अच्छा, यहाँ पर further ये बात की है कि ये रिएक्शन कहां पर है? इक्विलिब्रियम पर है. अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो आपके पास कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगा ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन इनटू लॉग रिएक्शन क्वोशेंट क्यू. ठीक है, अब समझना, ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना. एक तो है आपके पास डी टू गैस और एक क्या है आपके पास? हाइड्रोजन गैस है. जो आपकी सेल रिएक्शन होगी उसमें एक तो बनेगा एनोड, एक क्या बनेगा? कैथोड. कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा, समझने की कोशिश करो. जो मेरा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू कितनी है? देख लो, हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है 0.0 वोल्ट. जबकि डी प्लस के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? -0.003 वोल्ट. देखो, कैथोड भी क्या होती है? रिडक्शन होती है. ठीक है, तो इन दोनों में से कैथोड कौन बनेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव वो क्या बनेगा? कैथोड बनेगा. तो इन दोनों में बात करो, ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है? इसकी. तो ये क्या बनेगा आपका? कैथोड. तो इस रिएक्शन में कैथोड पे क्या जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी. ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी और एनोड पे क्या होगा आपका? डी प्लस आयन प्रोड्यूस होगा. चलिए, तो रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार. कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी देख लीजिए ध्यान से. एट कैथोड आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगी? जो आपके पास 2H प्लस आयन से दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में क्या होंगे? ये कैथोड के ऊपर जाकर इवॉल्व हो जाएंगे. एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. तो जो आपका D2 जो गैस है मेरी, जो मेरी D2 गैस है, वो 2D प्लस आयन फॉर्म करेगी एक्वस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस करेगी. कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? 2H प्लस एक्वस प्लस D2 गैस गोज टू 2D प्लस एक्वस प्लस एच टू गैस. चलिए, ये मेरी होगी कंप्लीट सेल रिएक्शन. चलिए, अब इसको देखो, रिएक्शन क्वेश्चन लिखना है मुझे. तो ई नोट सेल, अच्छा ई नोट सेल कितना होगा देख लो. ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड. ई नोट सेल क्या हो जाएगा? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड. बताइए कैथोड कितना है? माइनस का 0.003 वोल्ट. माइनस, सॉरी, कैथोड हाइड्रोजन बना ना, तो ये तो 0.0 वोल्ट हो गया. माइनस एनोड क्या हो गया? माइनस का 0.003 वोल्ट हो गया. ठीक है, तो ई नोट सेल कितना आ गया आपके पास? प्लस का 0.003 वोल्ट आ गया. ये चीज क्लियर था? ई नोट सेल कितना आ गया? प्लस का 0.003 वोल्ट. ई नोट सेल की वैल्यू यहां पुट करो, कितनी हो गई? प्लस का 0.003 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0591. इसे मैं अप्रोक्स 0.6 लिखता हूं. क्यों लिखा ये भी आपको समझ में आ जाएगा. अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है इस पूरी सेल रिएक्शन में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 है, इज इक्वल टू लॉग. अच्छा, रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं. देखो, पहले क्या आ जाएगा आपके पास? डी प्लस का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन भी आएगी, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और गैस का प्रेशर कितना दिया इसने? 1 atm दिया है, तो नहीं लिखो तो भी चलेगा. अपॉन डी टू, अगर नीचे D2 लिखता हूं, वापस गैस है, गैस का प्रेशर कितना दिया है? 1 दिया. क्या लिखूंगा मैं? H+ की कंसंट्रेशन लिखूंगा. H+ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर है? चलिए, दो को आगे भेज दो, क्योंकि देखो अब ये यहां पर क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. 0.003 इज इक्वल टू 0.06 अपॉन 2 इंटू लॉग डी प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन एच प्लस की कंसंट्रेशन होल का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया. और ये देखो, ये क्या हो गया? लॉग ए टू दी पावर बी. तो क्या हो जाएगा? बी लॉग ए. हमने पढ़ा ना, लॉग ए टू दी पावर बी क्या होता है? बी लॉग ए. तो बी मतलब कि 2 आगे आ जाएगा. अगर 2 आगे आ गया तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो 0.003 इज इक्वल टू किसके हो गया? इक्वल 0.06 के इक्वल हो गया. इज इक्वल टू क्या बचा? लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ डी प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, सॉरी इनटू. यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है. तो अब देखो, इसको उधर भेज दो. 0.003 अपॉन 0.06 इज इक्वल टू क्या हो गया? लॉग
कंसेंट्रेशन ऑफ डी प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ डी प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। चलिए हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, लॉग को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा एंटी लॉग, मतलब कि डी प्लस की कंसेंट्रेशन अपॉन एच प्लस की कंसेंट्रेशन का रेशियो किसके इक्वल हो गया 10^0.05 के, और जब इसे आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 1.12। देन हियर इज योर आंसर एंड चेक कर लेना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।